नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अमेरिका में डॉक्टरों की एक टीम ने दुनिया में पहली बार एक इंसान के चेहरे और दोनों हाथों का सफल ट्रांसप्लांट किया है। ये दुनिया का अपनी तरह का पहला ट्रांसप्लांट है। एक कार दुर्घटना में इस इंसान के शरीर का 80% हिस्सा जल गया था। चेहरे और दोनों हाथों के दुर्लभ और सफल प्रत्यारोपण के लगभग 6 महीने बाद जो डिमियो ने पलक झपकाई और चुटकी भी बजाई। दरअसल 22 साल का जो डिमियो साल 2018 में अपनी नौकरी की नाइट शिफ्ट करके आ रहा था और उसे कार में नींद आ गई। इससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, फिर उसमें विस्फोट हो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि लोगों ने उसे जान बचा ली और उसे आग की लपटों से खींच लिया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया था और वह हादसे में दोनों हाथ गंवा चुका था। जो डिमियो की ट्रांसप्लांट के बाद हालत अब बेहतर है और वह तेजी से ठीक हो रहे हैं। बीते साल अगस्त महीने में न्यूयॉर्क शहर के NYU लैंगोन हेल्थ सेंटर में उनका ट्रांसप्लांट किया गया था। दुर्घटना के बाद वह 2 महीने तक कोमा में थे। 9 अगस्त 2020 को उसके मैच का एक डोनर मिल गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ऑपरेशन नहीं हो पाया था। सर्जरी के सफल होने की सिर्फ 6% संभावना थी, क्योंकि सभी प्रकार की सर्जरी से डिमियो पहले ही गुजर चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।